गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। आप दोनों को अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूं। थैंक यू सर। तो आज हम देख रहे हैं यहां ये गो के बहुत खूबसूरत ये फुटसल ग्राउंड में एक बहुत ही धूमधाम से जो है डेकोरेट किया गया है। तो आप काइंडली बता दीजिएगा ये व्यूअर्स को ये क्या टूर्नामेंट हो रहा है और कब से हो रहा है और इसमें क्या क्या इसका ब्रीफ बता दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, वी लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ। आई एम पर्ल न्योराक एंड माइसेल्फ मिस्टर केनी लोई। और सर ये ऐसा है, ये जो फुटसल टूर्नामेंट है ये बेसिकली हमारा जो ऑनरेबल MLA श्री केंतू जी ने उनके जो माता स्वर्गवासी माता जो है उनके नाम में ये फुटसल टूर्नामेंट खिलाया जा रहा है। और ये टूर्नामेंट का नाम हमने उन्हीं के नाम पर रखा है, लेत दुग्म अत जी ने 7-a-side फुटसल टूर्नामेंट। इसका मेन एम एंड जो मोटो जो है वो हम लोगों ने पब्लिश भी किया गया है और वो ये है कि जितना हो सके हम आज का जो यंग स्टार है वो ड्रग्स से थोड़ा दूर रहे, अल्कोहल से थोड़ा दूर रहे और ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट लें। सो तो सर आप बताइएगा इसमें कितना टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 15 टीम जो है पार्टिसिपेट किए हैं और ये टूर्नामेंट। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को थोड़ा और कुछ बता देना चाहूँगा कि ये टूर्नामेंट का जो फुटसल का ये जो हिस्ट्री है आलो का, इसमें फर्स्ट टाइम जो है ऐसा आपको ट्रॉफी देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ही ताकि लोगों को और एनकरेज करें और ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, इसीलिए ये जो केस प्राइज जो है ये भी 1,00,000 का रखा है विथ ट्रॉफी। इंडिविजुअल प्राइजेस भी है विथ ट्रॉफी और रनर अप जो है आपका जो है 50,000 है विथ ट्रॉफी। ओके, तो सर फाइनली आप ये बताइएगा ये टूर्नामेंट जो है फुटसल टूर्नामेंट जो है लीग बेसिस में खिलाया जा रहा है ना सीधा नॉकआउट में खिला रहा है? जिस तरह मेरे साथी ने आपको बताया लगभग यहाँ 15 टीम आया है, तो सभी को बराबर का मौका देते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस टूर्नामेंट को लीग बेसिस पे खिलाया जाएगा। ओके, लीग में। और आप ये बताइएगा कि शेड्यूल मतलब शाम को खेलने का टाइम, ताकि हमारे जैसे हम सबको पता है आलो फुटबॉल का एक बहुत बड़ा फैन है आलो में, तो फुटसल भी फुटबॉल है, तो जो देखना चाहेगा मैच इंजॉय करना चाहेगा और कितना कितना बजे और कब कब यहाँ आ सकता है? फिलहाल आज के शाम के लिए हमने 5:30 का टाइम लिया है और मैं आज के स्लॉट में जिन्होंने भी इसको बुक किया उसको थैंक्स देना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों ने हम लोगों के लिए इसको छोड़ा है। तो कल से हम लोगों का टाइम 11:30 से रहेगा क्योंकि हर शाम यहाँ कोई ना कोई छोटे बच्चे या फिर जो भी फिटनेस को लेके एक्सरसाइज के तौर पे जो भी आता है उन लोगों के लिए हम लोगों ने ये शाम का स्लॉट खाली रखा। ओके, दिन का 11:30 से होगा जी। तो आज सर आप ये बताइएगा कि ये टूर्नामेंट का जो है फाइनल मैच कब होगा? इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच अगले महीने का 9 सितंबर को रहेगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आज हम देख रहे हैं यहाँ एक गो फुटसल ग्राउंड में बहुत ही खूबसूरत से जो है डेकोरेट किया गया है और हमने ये खबर लिया है कि आपके स्वर्गीय जो माता जी है उनके नाम में ये टूर्नामेंट जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो सर इस विषय में आपका ये इस तरह का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना, आप सपोर्ट करना, इसका मोटो क्या रहेगा? खास करके ये फुटसल इसीलिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि मेरा स्वर्गीय माँ का फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी 28 को हुआ था। तो हम आज इनॉग्रल सेशन हो रहा है कि रीजन बिंग ये कि आलो में हमारा यहाँ ड्रग एब्यूज़ ड्रग मैनेज बहुत ज़्यादा ही हो गया है। तो मैं इस मकसद से हम किया जा रहा है कि हम नौजवानों को कैसे हम मसरूफ़ रख सकता है, कैसे व्यस्त रख सकता है खेल कूद में, मेरे माँ का यादगार में अगर अच्छा काम कर सकता है तो बहुत अच्छा है बोल के। स्पेशली ये मेरा वाइफ दोबम जी ने और एंटायर फैमिली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि माने इसमें आज 15 टीम्स आया हुआ है। तो मैं सोचता हूँ कि ये फुटसल खेल के एक अच्छा मैसेज जाएंगे पब्लिक में और यूथ अमोंग यूथ्स में भी, क्योंकि हम खेल कूद के खेलने से आप फिजिकली आप हेल्दी रहता है, मेंटली साउंड रहता है और आप खराब काम नहीं करता, इसीलिए ये किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। थैंक यू सर। लास्ट में सर ये जानना चाहेंगे सर आलो जनरल ग्राउंड में कब इस तरह का फुटबॉल फुटसल को छोड़ के मेन मेगा इवेंट कब से हम उम्मीद कर सकते हैं? आपको मैं बताऊं कि आप जान के भी खुशी होंगे कि आज आलो का जो गैलरी में पूरा ट्रस्ट ट्यूबलर ट्रस्ट भी पूरा लगाया गया है कि
मैं सोचता हूँ कि इसे दिसंबर या जनवरी तक खत्म करना चाहिए, कोशिश लगातार है। थैंक यू, थैंक यू। गेस्ट ऑफ ऑनर इंजीनियर दगल युकार प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन लोग लोग मेन होकर मोतव फर्स्ट ढूंढे तो जिन्हें फुटबॉल फुटसल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नंगे रीजन है योगो माँ मौके आने बहुत हंसी खुशी जिंदगी जिया है, बहुत फुर्तीला आदमी था मुझे माजा बंजीन हो नहीं गए अब इन मुझे यादगार लो ए मिले उन नर्व मिल हिल नोला यो भी पड़ोगे अन्य सोसाइटी लो इम्प्लीकेशन को आलना को इधे देखो हम लामुन कान में इजामुन का फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं देखा हमें इनमें फुटसाल को ही बोलो आलेल पे कारण है हिगे उन लोग सोशल बॉन्डिंग थ्रो स्पोर्ट्स करता है। देखिए उन लोग आलो एक समय आशीष जैसे बोले ऑनरेबल आशीष जैसे बोला है आलो एक ऐसा जगह था जहाँ फुटबॉल जो है आलो को एक समय फुटबॉल का दिल में ऐसा कहा जाता था कि आलो अरुणाचल का ब्राज़ील है। ये ग्लोरी जो है हम लोग कहीं ना कहीं स्टेडियम का कारण या किसी ना कोई ना अननोन रीजन से हम लोग खो दिया मुनवाई। लेकिन जब डीएफए टेक ओवर किया सी एज ऑनरेबल ने वो आज को रिजल्ट में तो फुटबॉल है मुनो डीएफए टेक ओवर लगा मुनो एक बार कदा तंग का चैंपियन भी रहा है और एवरी मोस्ट ऑफ द टाइम उन सेमीफाइनल में फिनिश किया है और रिसेंट वेरी रिसेंट मुनु शिवन श्री लोहार जीरो आलो हिला हम मुनु उसमें भी सेमीफाइनलिस्ट में सेमीफाइनलिस्ट रहा है। फुटसेल इन हिम टूर्नामेंट इन तो तलाप हम आला मुनु का सभी टीम को और कमुन हम काटें गाव पोनु मोरिगला पोनु निजिरगा ओकांगनोका सोशल मीडिया पार्टनर अंदागला ओका आगोमेंस कमादोबा मुनुक अनरबल एमएलए ओका गेस्ट ऑफ ऑनर मेंका हम प्लेयर्स का आप लोग तो जानता ही है मुनुका अभी वेस्ट चांग में आलो में ड्रग्स एडिक्टेड होला बहुत है। आई मीन आप लोग का जैसे
ऐसे खेलने से और पीट रहने से ड्रग्स एडिक या ड्रग्स पेडलर या ड्रग्स इनका यहाँ तक नहीं पहुँचना था। आई मीन आप लोग खेलते रहिए और अपना बॉडी फिटनेस। थैंक यू सर। को बता दूं आज का ओपनिंग और पहला मैच खेला जाएगा एमएम स्क्वाड और काबू एफसी के बीच। फुटबॉल की दुनिया में बाला बाकी के लिए बाकी थे कंपनी के कंपनी कंपनी अपने दोस्तों को स्टेल गबा लेकिन ये अब एक गबा कम दुख है दूसरा गबा लॉय